नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये समकोण त्रिभुज में होते हैं, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी। ए नीचे क्योंकि साइन ए कॉस ए टैन ए है, तो ए जो है आधार के साथ ही होना चाहिए, बी इस प्रकार से, और यहां लिखते हैं सी। अब हमें साइन ए दिया है 3/4। तो बच्चा साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 3/4 के बराबर है। इसका मतलब हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं 3 और हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं 4। तो बच्चों इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज में, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सबसे पहला काम है दो साइडें दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसकी तीसरी भुजा निकालनी है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी तीसरी भुजा निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो हमें दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर बराबर होगा बेस, बेस हमें नहीं पता यानी एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें पता है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहां से 16, 9 इसके साथ प्लस हो रहा है ए बी स्क्वायर के साथ, बराबर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और यहां बच जाएगा ए बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 होता है 7 बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहां से ए बी किसके बराबर होगा बच्चों, 7 के रूट के बराबर, ये आ गया है ए बी, यानी ए बी यानी कि इसका बेस आ गया है रूट 7। घबराना नहीं है, रूट में भी आ सकती हैं वैल्यूज, तो इससे हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब हम अपने प्रश्न को करते हैं। हमें दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू थी 3/4, कॉस ए निकालो। तो बच्चों कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, देखिए अभी हमने निकाला ए आधार के साथ, ए एंगल है, तो बेस कितना है रूट 7 बटा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 4। इसका मतलब कॉस ए का मान आ जाएगा रूट 7 बटा 4। अगली वैल्यू है टैन ए, तो हमें टैन ए का मान निकालना है। टैन ए का मान होगा परपेंडिकुलर बटा बेस, यही होता है ना टैन ए, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 बटा बेस कितना है, बेस है रूट 7। इसका मतलब टैन ए का मान आया रूट 3/7। तो बच्चों ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है। देखिए कुछ भी नहीं करना था हमें, हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने त्रिभुज में डाला तो हमें दो साइडें पता लग गई और तीसरी हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल दी। जब हमने तीसरी भुजा, तीनों भुजा निकाल दी, फिर तो हमें पता ही है कॉस ए का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हो गया रूट 7/4, और टैन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है 3 बटा बेस है रूट 7। तो इस प्रकार से हमारी दोनों ही वैल्यूज आ गई हैं जो हमें की प्राप्त करनी थी। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस भी देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।